नेक्स्ट को फैक्टर इज मेटल आयन्स, जिसको कि एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। तो मेटल आयन्स और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, तो इसको मेटालिक एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। वी कैन से इट एज मेटालिक एक्टिवेटर। तो मेटल्स जनरली एक्ट एज कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सच इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर बाउंड टू एपोएंजाइम लूजली, दैट इज टर्म्ड एज, कह सकते हैं क्या, एक्टिवेटर, ठीक है। तो एक्टिवेटर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे एक्टिवेटर के, तो क्या क्या होगा, तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दैट इज जिंक, ठीक है। तो जिंक देखते हैं एग्जांपल कहां कहां होगा। तो जिंक, तो जिंक जो होगा Zn2+, तो जिंक इज प्रेजेंट इन कहां कहां होगा, तो ये याद रखना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कहां पर होगा ये, इट इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में, ठीक है। दूसरा जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या कर रहा है, नाम से लग रहा है पेप्टाइडेज है, तो पेप्टाइड को तोड़ेगा, मतलब ये इट विल हाइड्रोलाइज प्रोटीन, और वो भी किस एंड पर, कार्बोक्सिलिक एंड पर। दो टर्मिनल होता है ना कोई भी प्रोटीन देखेंगे, तो इधर क्या होता है NS एंड टर्मिनल, NS2 एंड, और इधर क्या होगा COH एंड, ठीक है। तो ये क्या होगा COH, कार्बोक्सी एंड में ये हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दूसरा जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। और एक होता है कार्बोनिक, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, अनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। तो ये कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है, कार्बोक्सी। तो इसमें आपको याद मिलनी रखना है कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक सिंपल एक ही एग्जाम्पल, नेम ऑफ, नेम ऑफ मेटल, मेटल एक्टिवेटर इज जिंक, कहां पाया जाता है, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा जो है आप देख रहे हैं हम, आयरन कहां कहां पाया जाएगा, सेकंड इज Fe2+, ठीक है। तो आयरन जो देखेंगे ये पाया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सुने होंगे, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम वहां पर। इसके बाद पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ये सब, तो कैटालेज एंजाइम होता है, CATALASE, कैटालेज, PEROXIDASE, पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो कैटालेज और पेरोक्सीडेज एक्चुअली में क्या है, ये कैटालेज और पेरोक्सीडेज जो होता है ना, ये सुपर ऑक्साइड जो रेडिकल बनता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रेडिकल बनता है, तो उसको मेनली कह सकते हैं इट इज, ये कह सकते हैं इट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम, ठीक है, तो डिटॉक्सिफाई करता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को, हटाता है, ठीक है, ये दोनों कह सकते हैं। और ये कैटलिस्ट क्या करता है, तो ये तो मालूम है, जैसे कि दोनों का ऐसे भी कह सकते हैं, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह है कैटलिस्ट, तो इसको क्या कर देगा, इसको H2O में तोड़ देगा, ठीक है, H2O और O2 में तोड़ देगा, ठीक है, तो ये ऐसे बैलेंस कर देंगे इस तरह। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है H2O2 और O2 में, ठीक है। तो एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये क्या है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज में मेनली आयरन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर, नेक्स्ट कॉपर Cu2+, तो कॉपर जो है मेटल आयन कहां पर होता है, ठीक है, कॉपर मेटल आयन इज प्रेजेंट इन वेयर, तो ये याद रखिएगा, कॉपर जो होता है वो होता है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो है ही, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम जब देखेंगे ना, ठीक है, तो साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम अभी पढ़ेंगे हम आगे, तो वो होते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3।
तो ये जो लास्ट में जो होता है ना ईटीएस का, अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब पढ़ेंगे तो इसी ऑर्डर में होता है। कौन से ऑर्डर में होता है? इस तरह। ऑर्डर क्या होता है उसको हम यहां लिख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम। तो वो होता है साइटोक्रोम, यहां पे लिख दे रहे हैं, वो होता है साइटोक्रोम बी, फिर सी वन, फिर सी, फिर ए और फिर ए थ्री, इस तरह होता है। ठीक है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम कब? ईटीएस। ठीक है, तो ये जो देखेंगे ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक होता है और सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो उस समय देखेंगे कि ये सब साइटोक्रोम का रोल है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से ऐसे ऐसे जाते हैं, तो बहुत सारे वेरियस साइटोक्रोम है। इन सब में देखेंगे क्या, इन सब में आयरन है। ठीक है, इनमें 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 सब में आयरन है, Fe2+ is present in all। लेकिन ये जो A3 है ना इसमें क्या होता है, कॉपर सेंटर्स भी होते हैं केवल। तो कह सकते हैं कि साइटोक्रोम A3 जो है वो क्या हो गया, साइटोक्रोम A3 उनमें क्या होगा, उनमें होगा कह सकते हैं क्या, कॉपर एज वेल एज आयरन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखे हैं, कॉपर। तो कॉपर इज प्रेजेंट इन वेयर, तो इट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और वो भी कौन सा, इसको साइटोक्रोम ए थ्री याद रखेंगे यहां। ठीक है, यहां पर क्या है, कॉपर सेंटर्स होते हैं। उसी तरह देखेंगे टायरोसिनेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, तो टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, टायरोसिनेज इट हेल्प्स इन द, ये टायरोसिनेज जो देखेंगे That is known as, इसको कहेंगे मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन में बनता है, हमारे स्किन जो होता है ना उसमें मेलानिन पिगमेंट बनता है, तो किससे बनता है, टायरोसिन एंजाइम, टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो टायरोसिन जो होगा उससे क्या होगा, टायरोसिनेज एंजाइम क्या बनाता है, मेलानिन पिगमेंट। तो ये याद रखेंगे, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन याद रखना होगा, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन स्किन। मेलानिन क्या है, पिगमेंट, तो ये क्या कर रहा है, मेलानिन पिगमेंट इन स्किन का, स्किन में प्रोडक्शन कर रहा है टायरोसिनेज। तो याद रखेंगे कॉपर कहां पर प्रेजेंट है, साइटोक्रोम ए थ्री में आयरन और कॉपर दोनों है, ध्यान देना है। लेकिन और सब में क्या है, सब साइटोक्रोम में क्या है, दैट इज आयरन। यहां पर देख साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टायरोसिनेज, ये याद रखना है। और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड पेरोक्सीडेज होता है बहुत सारा, तो ये दो आपको याद रखना है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टायरोसिनेज। और भी होता है ऑस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, बहुत सारे हैं, तो लिख सकते हैं आप ऐसे, हम लिख दे रहे हैं ऑस्कॉर्बिक एसिड, ए एस सी ओ आर बी आई सी, ऑस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, ऑस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज ये भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं एग्जांपल, सुपर ऑक्साइड पेरोक्सीडेज, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, डिस्म्यूटेज। नेक्स्ट जो है कॉपर के बाद हम देखेंगे प्लस, के प्लस, के प्लस करने का मतलब पोटेशियम, तो यहां पर देखते हैं पोटेशियम के प्लस, तो ये कहां पर होगा, तो ये जो देखते हैं पायरुवेट, पी वाई आर यू वी ए टी, पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो के प्लस जो होता है इज रिक्वायर्ड फॉर पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, उसी तरह के प्लस के बाद हम देखेंगे क्या, एमजी, क्या देखेंगे, एमजी, एमजी मतलब मैग्नीशियम, एमजी प्लस। तो ये मैग्नीशियम कहां पर जरूरत है, ये याद रखेंगे, तो मैग्नीशियम जो होता है हेक्सोकाइनेज के लिए है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पीएफके एक होता है, इसको कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या कहते हैं इसको, फॉस्फो पीएफके, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, पी एफ के।
ठीक है, तो इसको कहेंगे पीएफके, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो यहां देखिए के प्लस कहां पर है, प्यूरवेट काइनेज में। उसी तरह मैग्नीशियम कहां है, ये एक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी तरह यहां पर एक और एग्जांपल इसमें आ सकता है, पीएफके के बाद यहां पर लिख दे रहे हैं पायरुवेट, पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि पायरुवेट काइनेज है ना, तो पायरुवेट काइनेज ये क्या है, इसमें दोनों सेंटर्स होते हैं। तो फॉर द एंजाइम पायरुवेट काइनेज विच विच मेटालिक एक्टिवेटर इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर, आंसर विल बी क्या है, के प्लस एज वेल एज एमजी दोनों। ठीक है, एमजी प्लस दोनों का, दोनों कोफैक्टर जरूरी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये तो आपको याद रखना ही है, एक्सोकाइनेस, इसके बाद पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में ये सब आता है स्टेप्स, पीएफके, ठीक है, पीएफके और हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज जो होगा टूटेगा क्या में, ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो भी ग्लूकोज डाइजेस्टेड फूड है ना, ग्लूकोज न्यूट्रिएंट, तो वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होगा तो ग्लूकोज क्या में टूटेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन तोड़ता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज तोड़ता है, तो उसमें उसके लिए क्या जरूरत है, मैग्नीशियम जरूरत है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो वहां आइसोमेरेज एंजाइम का जरूरत है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, ठीक है, वो क्या में चेंज होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में, यही है पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता है, ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम, दिस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज को क्या में चेंज कर रहा है, यहां पर लिख दे रहा है ग्लूकोज को, ग्लूकोज 6PO4 फॉस्फेट में चेंज कर रहा है। ठीक है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, पीएफके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कर रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ये क्या में चेंज करता है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा जाकर ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, PO4 लिख दे रहे हैं, बिस फॉस्फेट नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वाला, ये क्या करता है, ये वाला, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या है, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये जो है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उल्टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर है उसको ग्लूकोज में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या होगा, यही करेगा ग्लूकोज में उल्टा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये बताते जा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगला जो देखेंगे मैग्नीशियम के लिए ये हो गया, अगला देखते हैं मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंगनीज, Mn2+। ठीक है, तो Mn2+ जो है ना आर्जिनेज एंजाइम होता है, कौन सा, आर्जिनेज एंजाइम। ठीक है, Mn2+ इज रिक्वायर्ड फॉर विच एंजाइम, आर्जिनेज। ठीक है, अब आर्जिनेज के Mn2+ के बाद क्या देखेंगे, दैट इज नोन एज मोलिब्डेनम, क्या देखेंगे, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, Mo3+ कहते हैं मोलिब्डेनम। ठीक है, MOLYBDENUM मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम जो है ना ये नाइट्रोजन, अभी देखेंगे क्या नाइट्रोजन साइकिल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, तो एंजाइम्स उसमें होता है ये मोलिब्डेनम, तो ये डाई नाइट्रोजनेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डाई नाइट्रोजनेस एंजाइम, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एंजाइम, तो एक्चुअली में कह सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, दैट इज कौन सा कह सकते हैं, मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डाई नाइट्रोजनेस। ठीक है, इसके बाद ये हो गया मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद हम क्या देखेंगे, दैट इज
निकल देखेंगे, क्या देखेंगे, निकल देखते हैं, निकल एनआई एनआई टू प्लस, ठीक है। तो निकल कहां पर होता है ये याद रखिएगा, यूरेज में, कहां पर निकल इज प्रेजेंट इन वेयर, तो निकल इज प्रेजेंट इन यूरेज, ठीक है। तो बता चुके हैं यूरेज क्या करेगा, ये यूरिया को, ठीक है, ये यूरिया को क्या करेगा, तोड़ेगा क्या में, ये यूरिया को तोड़ देता है, डेट इज अमोनिया NH3 प्लस CO2 में, इसमें तोड़ देगा, ठीक है। यूरिया का होता है CONH2, ठीक है, ये तो ये NH2 अमोनिया और CO2 में तोड़ देगा, ठीक है, ये हो गया यूरेज। एक होता है सेलेनियम, क्या होता है सेलेनियम, ये भी हो सकता है किसी में, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, सेलेनियम SE से 2 प्लस है कि क्या है देख लेंगे, SE सेलेनियम। तो सेलेनियम जो होगा वो कहां पर होगा, याद रखना है ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन, ठीक है, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, ठीक है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ये ध्यान देना है, ठीक है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट एक्टिवेटर्स है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी देख रहे थे क्या, मेटल एक्टिवेटर्स, तो मेटल आयंस जो है दे एक्ट एज कोफैक्टर फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद रखिएगा। ये क्या करता है, कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, और ये क्या करता है ये देखिए, पढ़िए अगर एक्सप्रेशन वहां पर, तो ये क्या होता है कि जो CO2 है, ठीक है, CO2 और CO2 H2O वाटर, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या कि जो भी CO2 ऑक्सीडेशन के बाद बनता है, ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, CO2 होता है ना, बनता है, तो ये CO2 कंबाइंस विथ वाटर प्रेजेंट इन कहां पर, आरबीसी, ठीक है, चाहे प्लाज्मा में भी हो सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही माइनर क्वांटिटी में क्या होगा, प्लाज्मा में भी होगा, मैक्सिमम कहां होगा, आरबीसी में। तो वाटर के साथ जो है CO2 प्लस वाटर, ये मिलके क्या बना देते हैं, H2CO3 बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल एंजाइम है, मतलब इधर भी, और कार्बोनिक एसिड को तोड़ के क्या में कर देगा, इस तरह बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और ये और भी देखेंगे आगे, ये पढ़ेंगे कि ये H2CO3 फर्दर ब्रेक डाउन करके क्या होगा, H+ और CO2 में टूट जाएगा, ये क्या होता है, ये फर्दर टूटेगा, तो ये भी क्या है, बाई डायरेक्शनल है। अब ये कार्बोनिक एसिड बन गया, दिस कार्बोनिक एसिड इज फर्दर, कह सकते हैं ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा, ये फर्दर जो होगा ये H2CO3 को ये तोड़ देगा, ये भी बाइडायरेक्शनल है, H+ प्लस HCO3- माइनस में, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो हो रहा है ये सब कार्बोनिक एनहाइड्रेज कर रहा है, और ये क्या है, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट टर्न ओवर नंबर क्या कहते हैं, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आपके याद रखना है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है जरूरत पड़ेगा ये याद रखेंगे, ठीक है। कैटलेज और पेरोक्सीडेज तो है ही, ठीक है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये तो बता ही दिए, कौन सा A3 एक याद रखेंगे जो लास्ट वाला है, ET इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं यही लास्ट में। तो इट कंटेन्स क्या, बोथ आयरन एंड कॉपर दोनों होता है, ठीक है। पिरुवेट काइनेस याद रखना है, इसमें दोनों होता है, K+ और Mg2+, ठीक है, ये तो है ही। हेक्सोकाइनेज याद रखना है, PFK याद रखना है, इसके बाद ये सब याद रख सकते हैं। और डाई नाइट्रोजनेस, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मेटल आयंस और एक्टिवेटर, मेटलिक एक्टिवेटर कहेंगे, ठीक है। अब एक बचा है कौन सा, डेट इज कह सकते हैं पहला हम देख चुके थे कोएंजाइम, दूसरा मेटल एक्टिवेटर, और तीसरा जो एक बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो वो हम यहां पर देख लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो देखेंगे यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये याद रखेंगे, ये सब वेरियस है, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम लेसिथिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, लेसिथिनेज एंजाइम जो होता है कैल्शियम होता है उसमें, ठीक है,
लाइपेज एंजाइम, वहां भी कैल्शियम होता है। तो बहुत सारे लिस्ट हैं, आपको ये याद रखना है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप पढ़े होंगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, अगर सिंपल है तो क्या कहेंगे इसको, सिंपल है ना, तो एपो एंजाइम कहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज एपो एंजाइम। क्या है ये? एपो एंजाइम है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो गया, कैटलिटिक एक्टिविटी के समय मैग्नीशियम उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरत है वहां, यहां देखिए कहां है मैग्नीशियम यहां, ठीक है। तो वहां पर क्या है, कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिविटी के लिए क्या है, मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे यहां पर, मैग्नीशियम क्या के लिए, इट एक्ट्स एज, यहां लिख दे रहे हैं, कोफैक्टर फॉर, कोफैक्टर फॉर क्या के लिए, डीएनए पॉल, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज के लिए यहां जरूरत है ना। तो अगर अकेले डीएनए पॉलीमरेज है तो उसको एपो एंजाइम कहेंगे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके एंजाइम एक्टिव साइट होगा ना, वहां पर जाके मैग्नीशियम बाइंड करता है, तब जाके वो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर बाइंड किया तो होलो एंजाइम उसको कहेंगे, ठीक है। इस तरह एग्जांपल एक है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आप सुने होंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद क्या है, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज एपो एंजाइम, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर उसके साथ सिग्मा फैक्टर एज कोफैक्टर, सिग्मा फैक्टर जाकर अटैच हो जाएगा, तब वो क्या कहेंगे, होलो एंजाइम, ठीक है। तो होलो एंजाइम मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर हियर इज एक्टिंग लाइक अ कोफैक्टर, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हो गए सब। अब हम देखते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप में एग्जांपल्स हम जो देखेंगे वो क्या होगा, उसमें आपको याद रखना है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप में याद रखना है कि हीम एक एग्जांपल है, ठीक है। वन एग्जांपल इज हीम, H-E-M-E, हीम, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्रुप में एग्जांपल क्या होगा, एक ही एग्जांपल याद रखना है, हीम। हीमोग्लोबिन पढ़े होंगे, हीम और ग्लोबिन, तो हीम जो है वही, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। तो ये क्या होगा, हीम जो है ना, इट एक्ट्स एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो हीम कहां पर प्रेजेंट होता है, ये हीम एंजाइम में होगा ना कहीं। तो ये जनरली क्या हुआ, कैटलेज और पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो हीम इन कहां पर, कौन सा एंजाइम, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हीम क्या है, हीम इज एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम्स, पूछ देगा कौन सा है, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज, ठीक है। बाई चांस भूल गए कौन सा एंजाइम था, ठीक है, भूल गए कौन सा एंजाइम था, तो कैसे याद करिएगा। तो हीम क्या है, हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन वगैरह कहाँ होता था, हीमोग्लोबिन, हीम जैसे है आयरन से रिलेटेड है ना, हीमोग्लोबिन हीम, हीमोग्लोबिन हीम आयरन, तो आयरन वाला देखिए यहाँ क्या आयरन है ना ये, तो कैटलेज और पेरोक्सीडेज देख रहे हैं ना। तो याद रखने का, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है कि हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज प्रेजेंट इन कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। और ये क्या करेगा, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, ये क्या करता है, ये इट कन्वर्ट्स द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू कहां, वाटर एंड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है ना, पेरोक्साइड जो है ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इससे क्या है, इसको डिस्ट्रक्शन से बचा रहा है ना, H2O प्लस O2 में तोड़ दे रहा है। बिकॉज अगर ये रहेगा तो ये पेरोक्साइड क्या करेगा, ये इट विल डिस्ट्रॉय मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करने से बचा रहा है ये। तो याद रखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या है, हीमिन कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या करता है, विच विच कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, यहां पर लिख देते हैं ये क्या क्या ब्रेकडाउन कर रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं, विच इट कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू कहां, वाटर एंड
क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में इतना। तो ये हो गया आपका, लिख लीजिए।